दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी के बारे में कि ये जो हमारा बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी है ये सीएसएस के अंदर किस तरीके से अप्लाई होता है, ये हमारे टेबल के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है और इसको हम कैसे लगाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं बॉर्डर स्पेसिंग के बारे में। ये जो वीडियो है बॉर्डर स्पेसिंग के बारे में ये पिछले वीडियो से लिंक है, यानी कि जो आपने बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी देखी थी उसी वीडियो से ये लिंक्ड वीडियो है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये पहले बॉर्डर इस जो कोलैप्स प्रॉपर्टी वीडियो है उसको आप सबसे पहले देख लें, ताकि इस वीडियो के अंदर जो भी समझाया जाएगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ये भी पता लग जाएगा कि बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है वो क्या काम करती है। तो खैर, अब हम बात करते हैं बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बॉर्डर स्पेसिंग, इसके नाम से ही आपको आइडिया लग रहा है कि बॉर्डर के बीच में स्पेस प्रोवाइड करना। तो ठीक है, तो जो आपका बॉर्डर है और उसके साथ ही लगी हुई जो आपकी सेल है, तो सेल क्या होता है कि जो बॉर्डर सेल क्या होता है, जो टेबल है उसके अंदर जो डेटा भरा होता है उसके चारों साइड का स्पेस को लेके एक सेल बनता है। ठीक है, उस सेल के बाहर क्या है, बॉडी है। उस सेल के बाहर क्या है, आपका टेबल का पूरा बॉर्डर है। तो ठीक है, तो जो एडसेंस सेल है यानी कि उससे लगे हुए सेल है उनके बीच में अगर स्पेस की अगर आप बात कर रहे हैं कि आप उसके स्पेस को बढ़ा दें घटा दें या जैसा भी कर दें, उसके लिए आप यूज करते हैं बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले वीडियो में हमने बॉर्डर कोलैप्स जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर दो वैल्यू सेट की थी। एक वैल्यू सेट किया था हमने सेपरेट और दूसरा वैल्यू सेट किया था हमने कोलैप्स। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग अगर कॉन्सेप्ट अगर लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को सेपरेट सेट करना पड़ेगा। अगर आप कोलैप्स कर देते हैं तो ये जो आपकी सीएसएस बॉर्डर स्पेसिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी है ये काम नहीं करेगी, यानी कि कोई भी बॉर्डर आएगा नहीं। जैसा कि आपको पता था कि बॉर्डर कोलैप्स क्या करता है कि सारे बॉर्डर को हटा के वो कॉमन बॉर्डर कर देता है, तो जब वो हटा ही देता है तो आप कैसे स्पेस लगाओगे। इसीलिए आपको इस वीडियो के अंदर यानी कि इस बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को अगर आपको लगाना है तो जो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को आपको सेट करना पड़ेगा सेपरेट। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ताकि आपको भी ये पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। तो ये हमारा टेबल था, इसके ऊपर हमने कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्टाइल लगाया था। ये बाकी सारा टेबल हमारा वैसे ही है, इस पे हमने सेट कर रखा था कोलैप्स। तो कोलैप्स पे क्या होता है कि ये सारा जो भी हमारा ये बॉर्डर है आप देख सकते हैं कॉमन बॉर्डर यूज हो रहा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं सेपरेट। और यहाँ से जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल गया कि ये सबका अपना अपना ही बॉर्डर है। ठीक है, सेपरेट हमने यूज किया। अब हमारी यहाँ पे बात जो आती है बॉर्डर स्पेसिंग की, तो बॉर्डर स्पेसिंग तभी लगता है जब हम यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स की वैल्यू को सेपरेट रखते हैं, यानी कि सेपरेट यहाँ पे सेट करते हैं। अगर यही चीज अगर ये किधर गया, अगर ये कोलैप्स रहता तो ये बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को पिक ही नहीं करेगा, इसीलिए हमको इसकी वैल्यू को सेपरेट ही रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना जो बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी है उसको हम लगा सकते हैं। उसको हम कैसे लगाएंगे, सिंपल, आपको इस टेबल को पिक करना है जिसके ऊपर आप लगाना चाहते हैं। तो टेबल आप किस तरीके से पिक कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल टेबल को अगर आपको पिक करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक और भी ऑप्शन है लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, अभी मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपके पास एक टेबल है तो आप यहाँ पे आईडी कॉमन या जितने भी टेबल, मान के चलिए आपके पेज के अंदर बहुत सारे टेबल हैं, तो इंडिविजुअली एक को पहचानना है, यानी कि सिर्फ एक ही टेबल के ऊपर अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं तो सिर्फ उस टेबल को कैसे आप पहचानेंगे, आप पहचानेंगे जो इसके अंदर आईडी आपने दिया हुआ है। क्योंकि आईडी जो होती है वो हर टेबल की अपनी यूनिक होगी, आईडी का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि सबका नाम जो होगा वो अलग अलग ही रहेगा। क्लास के केस में क्या होता है कि एक ही नाम हम सब पे हम दे सकते हैं, तो जो भी हम स्टाइल लगाएंगे किसी एक पे वो सब पे ही अप्लाई हो जाएगा। तो आईडी के केस में यूनिक हो गया, तो यूनिक का मतलब अगर मान लीजिए कोई और भी टेबल होता तो मान लीजिए यहाँ पे टेबल स्टाइल 1 है, अगला होता टेबल स्टाइल 2, तो उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, मतलब हम उनको अलग अलग पहचान करके उनके ऊपर स्टाइल हम कर सकते हैं। तो हमने इस आईडी की हेल्प से इस टेबल को पिक किया, इसी के ऊपर हमने बॉर्डर कोलैप्स को सेट किया हुआ है सेपरेट। अब हम यहीं पे यूज करेंगे अपना बॉर्डर जो स्पेसिंग प्रॉपर्टी है उसको। तो ये हमारा बॉर्डर आ गया, हाइफन देके हम लिखेंगे यहाँ पे स्पेसिंग और इसकी वैल्यू को हम सेट कर देंगे, जैसे कि मैं अभी सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल। अब हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इनके बीच में स्पेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल गया। तो आप बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू को जितना भी सेट करते जाएंगे
इन टेबल के सेल्स के बीच में, यानी कि ये जो सेल्स है इनके बीच में उतना ही डिस्टेंस यानी कि गैप बनता जाएगा। तो कुछ आप इस तरीके से बॉर्डर जो स्पेसिंग प्रॉपर्टी है आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक बार और कॉन्सेप्ट मैं इसका समझा देता हूँ कि टेबल, ये जो बॉर्डर स्पेसिंग है, इस प्रॉपर्टी को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी की वैल्यू सेपरेट सेट हुई हो। अगर यही सेपरेट की जगह पे यहाँ पे कोलैप्स होता तो आप इस चीज को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सारे वहाँ पे जो स्पेस होते हैं उनको खत्म कर देता है। अगर कोलैप्स यूज करते हैं सारा कुछ वो खत्म कर देता है। इसीलिए अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको सेल्स के बीच में डिस्टेंस रखना है, तो आपको यहाँ पे जो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को सेपरेट यहाँ पे रखना पड़ेगा और आप आगे बॉर्डर स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक किया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।